जनता की ताकत के आगे बॉलीवुड ने अपने घुटने टेक दिए हैं। प्रभास और सैफ अली खान की फिल्म आदि पुरुष को लेकर बहुत बड़ा फैसला हुआ है। 2 महीने बाद 12 जनवरी को रिलीज होने वाली आदि पुरुष की रिलीज को सीधा सीधा 6 महीने के लिए टाल दिया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है जो बॉलीवुड की तरफ से लिया गया है। पिछले दिनों जब आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज हुआ था, तब इसके VFX और लुक्स को देखकर लोगों ने कड़ा विरोध किया था। रावण के किरदार में सैफ अली खान को खिलजी जैसा लुक दे दिया गया था, हनुमान जी को अजीब सी दाढ़ी लगा दी गई थी और राम जी को तो मूछें ही लगा दी गई थी। पूरे ट्रेलर में हर जगह भगवान के साथ खिलवाड़ किया गया था। ये देखकर जनता भड़क गई और फिल्म को बायकॉट किया जाने लगा। इसके बाद आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम राउत ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म सिनेमा हॉल के लिए बनाई गई है और जो लोग मोबाइल पर इसका ट्रेलर देख रहे हैं उन्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। इसके बाद लोगों ने ओम राउत को कड़ी फटकार लगा दी। आदि पुरुष के मेकर्स चाहते थे कि इसे 12 जनवरी को ही रिलीज किया जाए और तब तक ऐसा माहौल बना दिया जाए कि लोगों को ये भरोसा हो जाए कि ये एक बढ़िया फिल्म है। इसके लिए फिल्म के मेकर्स ने इधर उधर मीडिया में इंटरव्यू देकर अपनी सफाई दी। कुछ चाटुकार पत्रकार भी उनकी हाँ में हाँ मिलाकर जनता को बताते रहे कि फिल्म बहुत बढ़िया बनी है, लेकिन लोगों ने ये मानना तो दूर बल्कि लगातार इसका बायकॉट जारी रखा और नतीजा ये हुआ कि आज ही आदि पुरुष के मेकर्स ने ये फैसला ले लिया कि वो फिल्म को 12 जनवरी को रिलीज नहीं करेंगे। आदि पुरुष के मेकर्स की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है, आदि पुरुष केवल एक फिल्म नहीं है, प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति व हमारे गौरवशाली इतिहास और संस्कृति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। दर्शकों को एक अद्भुत अनुभव देने के लिए आदि पुरुष के निर्माण से जुड़े लोगों को थोड़ा अधिक समय देने की आवश्यकता है। आदि पुरुष अब 16 जून 2023 को प्रदर्शित होगी। हम एक ऐसी फिल्म बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिस पर संपूर्ण भारत को गर्व होगा। इस रामराज में आपका सहयोग, प्रेम और आशीर्वाद हमें सदैव प्रेरित करता रहा है और करता रहेगा। हालांकि इस मैसेज से साफ है कि अब मेकर्स फिल्म पर दोबारा काम करके इसमें बड़ा बदलाव करेंगे। आदि पुरुष देश की सबसे महंगी फिल्म है। अब तक इस पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन अब फिल्म को फिर से सही करने में 100 करोड़ रुपए और खर्च होंगे, तब ये टोटल खर्च 600 करोड़ हो जाएगा। इतना बड़ा पैसा लगाकर मेकर्स ने बहुत बड़ा दांव खेला है। अब देखते हैं कि मेकर्स फिल्म में क्या बदलाव करते हैं और इस बदलाव को जनता पसंद भी करती है या फिर नहीं। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पर चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।